मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताना है। देखिए एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हम लोग की पार्टी। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना, जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर वो आज भी कायम है, आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उससे उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि आप विलय कर जाइए, विलय कर जाइए तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। सुरक्षा से दिया या दबाव था आपके ऊपर? देखिए अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे, हमारी पार्टी है। संतोष सुमन जी गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने, आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे इसलिए अलग। इंडिया में जाने की तैयारी है सर, एक तो इंडिया में जाने की तैयारी है सर, 23 तारीख की जो बैठक होगी आप उसमें शामिल होइएगा? अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। अच्छा एक चीज आप, एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, दिल्ली तक गई थी, वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया,
उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिली है, तो गृह मंत्री से उन्हीं के उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथ ही आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। देखिए इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे, अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए, मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहां सांस ले, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे चार विधायक हैं ना, एक एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज होती है, बाद में तय किया जाएगा।